फौजान। अच्छे बल्लेबाज है निगड़ी के पास और उतने ही अच्छे गेंदबाज बानगोट के पास। देखना ये काटे का टक्कर होने जा रहा है। और हमारे साथ स्कोरिंग का काम करेंगे अहमद। अहमद क्या लगता है आपको कौन टीम जीतेगा? मैच को थोड़ा फास्ट करें अंपायर। इसके बाद फाउंड होने वाला मुकाबला दिव्यागढ़ और आरवी। दोनों कैप्टन से गुजारिश करूंगा कि मैं माइक्रोफोन के पास चले आए टॉस उड़ाना है। मुस्तफा फाइटर्स स्ट्राइक पर लेंगे वसीम। नॉन स्ट्राइक पे फौजान पानकोट की तरफ से। देखना है ओपनिंग गेंदबाज कौन आता है। और बानकोट की तरफ से ओपनर गेंदबाज नवीद। स्ट्राइक पर है वासिम। नॉन स्ट्राइक पर फौजान। देखना है काटे का मुकाबला। जिस तरीके से ये हवा चलती हुई मुझे लगता है बैट्समैन को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। नवीद अच्छे ऑल राउंड बानकोट की तरफ से वसीम के लिए। पहली गेंद लेकर दौड़ना शुरू किया। अंपायर को पार किया राइट एम ओवर द विकेट। और फुल टॉस लाइन की गेंद थी। देखना है पावर प्ले का अच्छा फायदा उठाया और अच्छी कोशिश पर चार रन से इस थैंक यू डीजे। और अच्छा शुरुआत यकीनन चाहिए निंगड़ी को। वही मिलता हुआ एक बॉल और चार रन। अब नवीद देखना है क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। फिर से एक मरतबा वसीम तैयार। दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया राइट एम ओवर द विकेट। और दिशा से भटके वाइड बॉल और एक बाई की सूरत में दो रन मिलेंगे। आउटफील्ड खराब होने की वजह से यकीनन अगले टूर्नामेंट में यहाँ पे आपको गोल ग्राउंड मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ छः रन। नवीद दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया और अच्छा शॉट घुटना टेक और तमाशा देख छः रन का इशारा आता हुआ। थैंक यू डीजे। यकीनन शांता भाई भी खुश हो गई रहेगी ये शॉट देख के। और फिर से एक मरतबा वसीम खेलने के लिए तैयार। दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया राइट एम ओवर द विकेट। ब्लॉक लाइन की गेंद थी। देखना है और पावर प्ले होने के खातिर वहीं पे रुकना पड़ेगा। स्कोर वहीं पर थमा हुआ 12 रन जबकि इस ओवर के आखिरी तीन गेंद आना बाकी। नवीद काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अच्छा कमबैक। फिर से एक मरतबा दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया और वाइड बॉल का इशारा। हाथ बाहे को खोला अंपायर ने और वाइड बॉल। स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। आखिरी तीन गेंद आना बाकी। नवीद चले दौड़ना शुरू किया और ऑफ साइड में देखना है और अच्छा गैप निकाला। आउटफील्ड काफ़ी तेज और देखना है तीसरे रन के लिए नहीं जाएंगे। दो रन से मुतमईन होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। नवीद देखते हैं अपने टीम के लिए कैसे कमबैक करते हैं।
अब वसीम फिर से एक मरतबा नवीद के लिए। फील्ड में कुछ तब्दीली। नवीद, नवीद चले, दौड़ना शुरू किया और काफ़ी बेहतरीन शॉट ऑफ साइड की दिशा में देखना है। तीनों फील्डर भागते हुए और चार रन इस गेंद पे रन मिलेंगे, चार तभी तो होगा बेड़ा पार। थैंक यू डीजे। स्कोर बढ़ता हुआ, उन्नीस रन। इस ओवर के आखिरी एक गेंद बाकी। नवीद कमबैक करना ज़रूरी इस मैच में। फिर से एक मरतबा दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, राइट एम ओवर द विकेट और फिर से अच्छा और कैच का मौका और कैच छूटा, मैच छूटा। थैंक यू डीजे। स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। दिव्यागर और आरवि आपके लिए आखिरी कॉल रहेगा, टॉस के लिए आ जाए, बहुत वक्त की बहुत कमी है। स्कोर 23 रन एक ओवर के खात्मे पे। अब पहली मरतबा फौजान स्ट्राइक पे होगे, देखना है पानकोट की तरफ से कौन आता है। दिव्यागढ़ और आरवी टॉस के लिए आ जाए। अब शाहबाज बानकोट की तरफ से फौजान के लिए पहली मर्तबा। शाहबाज बानकोट एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते। दिव्यागढ़ वाले प्लीज़ टॉस के लिए आ जाए, प्लीज़ हमें ताउन करे। अब फौजान फौजान शहबाज के गेंद का सामना करेंगे, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, राइट एम ओवर द विकेट और शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी, देखना है फील्डर अभी मौजूद नहीं है और थोड़ी सी मिड फील्ड पर उसका कुछ नुकसान नहीं और एक रन से खाता खोला फौजान ने। स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। अब वसीम पहले मारता है शाहबाज के लिए, काफ़ी जाराना मूड में खेलते हुए वसीम, देखना अपने टीम के लिए क्या करते हैं। दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, राइट एम ओवर द विकेट और शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, देखना है फील्डर अपने मौजूद है, देखना है और अच्छा जज लेने के बाद काफ़ी देर हवे में गेंद थी और अच्छा कैच 09 नंबर की जर्सी। थैंक यू जीजे। अब फहद वसीम की जगह खुद कैप्टन इस टीम के, हादी भेड़ेकर जहाँ कहीं भी हो अगर मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही तो यहाँ पर आ जाए हादी भेड़ेकर। आरयू के कैप्टन यहाँ पे पहुँच चुके हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा दिव्यागर के कैप्टन प्लीज़ माइक्रोफोन के पास चले अगर मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है।
अब फौजान फिर से एक मरतबा शहबाज के लिए, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और ऑफ साइड की दिशा में। अच्छा खेला, वहाँ पे फील्डर मौजूद है, देखना है। एक ही रन से मुतमइन होना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन, फद पहली मरतबा। इस ओवर के आखिरी 3 गेंद आना बाकी। दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, राइट एम ओवर द विकेट और अंपायर ने अपनी बाहें खोली। वाइड बॉल, थोड़ी सी तकलीफ ली। स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। फद पहली मरतबा शहबाज के लिए और विकेट का खतरा और आउट पहले गेंद पे। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। अब देखना है फहद के जगह पे जय 24 नंबर की जर्सी, देखते हैं अपने टीम के लिए क्या करते हैं जय। काफ़ी निराश हो गए फहद, पहली गेंद पे विकेट खोलकर वापस पवेलियन। शहबाज काफ़ी हद तक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब फौजान, अरे अच्छा लक्ष्य खड़ा करना होगा निगड़ी को। हाई स्कोरिंग राउंड के अंदर, एक 4 ओवर के अंदर एक 60-70 रनों का टारगेट खड़ा करना होगा। इस ओवर के आखिरी 2 गेंद आना बाकी। शहबाज चले और देखना है विकेट का खतरा और कैच छूटा, मैच छूटा, 1 रन आउटफील्ड खराब होने की वजह से। दौड़ना शुरू किया, हम पार को पार किया शहबाज और फिर से ओवर पिच लाइन की गेंद, विकेट का खतरा और अच्छी कैच। इस फील्डर ने 2 अच्छी कैच पकड़ी। थैंक यू डीजे, ये गाना बहुत अच्छा, लेग साइड में बच्चे इंजॉय करते हुए इस गाने को। बॉलर भी यही कहता है, मैं लालच दूंगा लेकिन हर बॉल छक्का मारने का नहीं। तीसरी ओवर लेकर शादाब, और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अभी आईसीसी ने 2 रूल नए पास किए हैं और अब मैन कटिंग, जिसको अपन कोकनी लैंग्वेज में लिंबू कहते हैं, वो लीगल कर दिया रन आउट के रूप में। और दूसरा अब फौजान, इस गेंद के बाद दूसरा रूल बताऊंगा मैं। दौड़ना शुरू किया, अंपायर का पार किया और ब्लॉक लाइन की गिनती काफ़ी अच्छी, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं। और 1 ही रन से मुतमइन होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और आईसीसी का दूसरा रूल ये है कि जो गेंद पे सलाइवा जिसे कहते हैं थूक, ये लगाना इलीगल होगा। ये पिछले हफ्ते लागू किया। और फिर से एक मरतबा और शॉर्ट पिच लाइन की गेंदती, देखना है कैच का मौका और आउट। अट्ठाईस रन
और इस हफ्ते एक और रूल लॉन्च किया आईसीसी ने कि अगर बैट्समैन कोई कैच आउट होता है तो न्यू बैट्समैन स्ट्राइक पर ही खेलेगा। ये भी एक रूल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, सीजन क्रिकेट के लिए। फिर से एक मरतबा शादाब फौजान के लिए, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, राइट आर्म ओवर द विकेट और कुछ समझ न सके, सीधा कीपर के हाथों में जाता हुआ गेंद। फौजान अभी तक जिस तरह से बैटिंग करनी चाहिए थी उस तरह से हुई नहीं है, पर अभी भी वक्त बचा हुआ है, देखना फौजान अपने टीम के लिए क्या करते हैं। शादाब चले, दौड़ना शुरू किया, फुल टॉस लाइन की गेंद थी, देखना है फील्डर वहां पे मौजूद है और कैच छूटा और एक ही रन से मुतमईन होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। अब अरबाज 29 रन, शादाब अरबाज के लिए पहली मरतबा दौड़ना शुरू किया और ब्लॉक लाइन की गेंद थी उसे खेला, देखना है। अरबाज शरीफ की गेंद का सामना करेगा, शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी, ऑफ साइड की दिशा में खेला है और अंपायर के इशारे के मुतमईन रह गए। एक रन, अंपायर वो दरख के नीचे जो बच्चे बैठे हैं उनको वहां से थैंक यू। अब शरीफ पहली मरतबा फौजान के लिए, और काफी बेहतर इन शॉट, घुटना टेक और तमाशा देख दर्शकों को खुश करता हुआ। थैंक यू। 41 रन इस ओवर के आखिरी दो गेंद आना बाकी। बॉल काफी वक्त के बाद फौजान के बल्ले से ये छक्का दर्शकों को खुश करता हुआ, काफी लंबा 101 मीटर का, यह आप रिप्ले में देख सकते हैं। अब फौजान शरीफ की गेंद का सामना करेंगे और शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी कुछ समझ ना सके, वाइड वाइड की दांत मांगी पर कुछ असर नहीं, स्कोर वहीं पर थमा हुआ। 41 रन शरीफ और शॉर्ट पिच लाइन की गेंद और काफी अच्छा उससे भी लंबा। अच्छा शॉट यार फौजान का, कैमरामैन के सर को चूमता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। इस ओवर के आखिरी एक गेंद आना बाकी, फौजान जा रहा ना मूड में, शरीफ दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, राइट आर्म राउंड द विकेट और टप्पा करने के बाद नीचे बैठा, गेंद और एक ही रन से मुतमईन होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। चार ओवर के खात्मे पे निंगड़ी का स्कोर है 50 रन और मौलाना सिद्दीक इनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आके मंडप में बैठे और हमें शुक्रिया का मौका दे। इसके बाद आंखों देखा हाल सुनाएंगे मौलाना सिद्दीक, इनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आके माइक्रोफोन अपने हाथ में ले और हमें चंद लफ्ज़ों से नवाजे।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह वबरकातुहू। तमाम क्रिकेट प्रेमी को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं मोहम्मद सिद्दीक आपके सामने आखोदे का हाल सुनाने के लिए इस बीच यहाँ पर। यह मुकाबला आप देख रहे हैं जो बानकोट और निगड़ी के बीच में हुआ। काफ़ी अच्छा संघर्ष, दोनों काफ़ी मजबूत टीमें हैं। यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए निगड़ी ने केवल 3 विकेटों के नुकसान पर 50 रन बनाए थे। 51 का लक्ष्य रखा है बानकोट को। देखना है बानकोट कहाँ तक अपन इस रनों में अपनी टीम को आगे तक पहुँचाती है। बानकोट के सलामी के बल्लेबाज देखना है किसको लाया जा रहा है। काफ़ी संघर्ष मुकाबला होगा। एक दोनों भी टीमें काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर काफ़ी टक्कर का मैच होगा। बानकोट की तरफ से सलामी के बल्लेबाज आहिस्ता आहिस्ता जर्सी नंबर 3 और 21 दोनों खिलाड़ी अपने हाथों में बल्ला लेते हुए ग्राउंड में क्रीज पर जाते हुए देखना है स्ट्राइक पर कौन रहेगा, 9 स्ट्राइक पर कौन रहेगा। नवीद और शहबाज, शहबाज जो कि एक अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं बानकोट की ओर से, काफ़ी अच्छा उनका योगदान रहता है बानकोट की टीम के लिए। अब देखना है किस्मत कहाँ तक किसका साथ देती है। शहबाज और नवीद जो कि प्रारंभिक जोड़ी मैदान में मौजूद। निगड़ी के खिलाड़ी अपने फील्ड सजा ले क्योंकि इसके बाद काफ़ी राउंड्स खिलाना है। यहाँ पर काफ़ी संघर्ष मुकाबला होगा, काफ़ी कांटे का मैच होगा। यहाँ पर मैं फिर से एक बार सारे दर्शकों का स्वागत करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाए। काफ़ी संघर्ष मुकाबला होगा। इसके बाद होने वाला काफ़ी रोमांचक मैच होगा आरावी और दिवागर के बीच, जिसमें टॉस आरावी ने दिवागर ने जीता है और पहले फील्डिंग का निर्णय लिया है। शहबाज और नवीद स्ट्राइक पर, नवीद स्ट्राइक पर, 9 स्ट्राइक पर शहबाज। गेंदबाजी के लिए देखना है फरहान। फील्ड में सजावट, चार ओवरों का मैच होगा जिसमें पहला ओवर पावर प्ले का होगा, जिसमें भरपूर फायदा उठाना होगा बानकोट के बल्लेबाजों को, नवीद और शहबाज को। इस ग्राउंड के बारे में आपको कहते चलूं कि यहाँ पर जसवली एमएनसीसी जसवली ने इस ग्राउंड को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की, काफ़ी अपना योगदान दिया इस ग्राउंड को। इससे पहले आपने देखा होगा बहुत खस्ता हाली थी इस ग्राउंड की, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि बहुत ही साफ सुथरा ग्राउंड, काफ़ी अच्छा सुनहरा मैच होता हुआ। इस बीच आज के पहले दिन का 6ठा राउंड चल रहा है, आप देख रहे हैं। मैं फिर से एक बार आपको मैच की ओर लेके चलता हूँ, जबकि पहली गेंदबाजी के लिए आए हैं फरहान, सामने है उनके नवीद। पहली मर्तबा फरहान विकेटों को क्रॉस किया, पटकी हुई गेंद थी, नवीद प्रहार करना चाहते थे लेकिन वहाँ पर हल्के से कट कर दिया। कोई खाता नहीं खोला, अपना अकाउंट नहीं खोला, कोई रन नहीं। पहली गेंद इज्जत दी, फिर से एक बार फरहान अपनी गेंदबाजी के लिए तैयार। फरहान अच्छी गेंद और भरपूर फायदा उठाया, देखना गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी और यहां पर पहली सफलता फरहान को। हेलो,
थैंक यू डीजे मास्टर, इस बात को ख्याल में रखना है क्योंकि अभी अजान का भी वक्त होने करीब है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखे डीजे मास्टर। पहली सफलता मिली फरहान को, जबकि दूसरी गेंद थी फरहान की, पहली गेंद पर नवीद ने उसे इज्जत दी थी लेकिन दूसरी गेंद पर हार किया था, लेकिन कोई गलती नहीं की कैच लेने में। इस बीच फिर से एक बार फरहान, अच्छी गेंद थी और उसने ही बेहतरीन शॉट खेला, गेंद जा रही सीमा रेखा पार, चार रनों के लिए कोई मौका नहीं। जबकि अपना खाता खोला शहबाज ने, अपनी टीम का खाता खोला, चार रनों के साथ अपना खाता खोला, केवल चार रन से चलती हुई बानकोट एक विकेट के नुकसान पर। पहली सफलता मिली थी फरहान को, पहली विकेट गिरी थी नवीद की। इस बीच फिर से एक बार फरहान, अपनी गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे मजीदन की तरफ से, सामने है शहबाज, काफी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करने होगी, 51 रनों का लक्ष्य पूरा करना होगा अगर ये मैच जीतना है बानकोट को। दो तीन गेंदे शेष, फरहान अच्छी गेंद थी, कट कर दिया वहां पर फील्डर है, लेकिन अपनी जगह पर सुरक्षित दोनों बल्लेबाज, एक रन काफी अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों में, एक रन चुरा लिया, दो रनों एक रनों के साथ स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 5-1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर जारी, फरहान दुरा, केवल दो गेंदों का खेल शेष है फरहान के हाथ, सामने है नए बल्लेबाज शादाब, पहली मर्तबा अंपायर से गाड़ लिया, फरहान चले विकेटों को क्रॉस किया, अच्छी गेंद थी वहां पर लेकिन समझ न सके, सीधी गेंद कीपर के हाथ, कोई मौका नहीं, शादाब चूक गए वहां पर, बल्ला जरूर हवा में था, कोई संपर्क नहीं रहा, रुका हुआ स्कोर, थमा हुआ स्कोर 5-1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद शेष रहेगी फरहान के हाथ, इससे पहले जो मैच हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे थे शादाब, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं शादाब, ओहो कट कर दिया था लेकिन भाग्यशाली रहे वहां पर, वरना खतरा मोल सकते थे शादाब, एक रन मिला, डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद, एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, 6 रन एक विकेट के नुकसान के पहली ओवर की समाप्ति पर। हिदायत और मीरान दोनों जहां कहीं पर भी हो पवेलियन की तरफ आए और नियाज भाई से राबता करें प्लीज, मीरान और हिदायत। पहली ओवर की समाप्ति पर 6 रनों के स्कोर पे एक विकेट के नुकसान पर बानकोट। रनों की गति को बढ़ाना होगा अगर ये मैच जीतना है बल्लेबाज बानकोट के लिए, तो शहबाज और शादाब को काफी संघर्ष बैटिंग करनी होगी यहां पर, 45 रनों की जरूरत, 18 गेंदे और 45 रन काफी लंबा टारगेट है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्रिकेट है आखिरी क्षणों तक कुछ कह नहीं सकते। अब नए गेंदबाज निगड़ी के खिलाड़ी थोड़ा सा टीम मीटिंग न करें प्लीज, फील्ड सजा ले और खेल को शुरू करें। उन्हें फहद निगड़ी के कैप्टन फहद खुद गेंदबाजी के लिए पहुंच चुके हैं, सामने है छोटे कद के खिलाड़ी शादाब, फहद एक अच्छे जाने वाले गेंदबाज है, देखना है फहद कहां तक अपनी गेंदबाजी का मोर्चा संभालते, उतने बेहतरीन उनके सामने बल्लेबाज है जो कि इससे पहले मैच में मैन ऑफ द मैच लिया था शादाब ने। इस बीच आहिस्ता आहिस्ता अपनी गेंदबाजी का कर्म संभालेंगे, मस्जिद एंड की तरफ से दौड़ना शुरू किया फहद ने, अच्छी गेंद थी और ब्लॉक होल में थी, लेकिन उतना ही बेहतरीन शॉट खेला, जब तक के फील्डर है उसके नीचे एक रन मिलेगा, एक ही रन के साथ संतोष तो होना पड़ेगा, एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 7-1 विकेट के नुकसान के, जबकि दूसरे ओवर की पहली गेंद पर शादाब की एक रन जोड़ा था। इस बीच शहबाज, पहली मर्तबा फहद शहबाज के लिए,
दस बारह कदमों का रन अप दौड़ना शुरू किया। अच्छी गेंद थी और ये लंबा प्रहार करना चाहते थे लेकिन चूक गए, सीधी गेंद कीपर के हाथों में, कोई मौका नहीं। शहबाज अपनी जगह पर, फहद दूसरी गेंद डाले जबकि पहली गेंद पर एक रन चुरा लिया था, दूसरी गेंद डॉट थी, तीसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार फहद। आगे आकर खेलना चाहते थे, वहां पर किस्मत वाले रहे वरना खतरा हो सकता था, लेकिन एक रन मिला। थ्रो गलत था, वहां पर बैट्समैन ने अच्छा मौका पाया, एक रन मिला। एक रन के साथ स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 8, एक विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें शेष है फहद के हाथ, देखना है फहद क्या विकेट ले पाते हैं या शादाब छक्के चौके लगाते हैं। 3 गेंदों का शेष, खेल बचा हुआ है फहद के हाथ। दूसरा ओवर चलता हुआ, ओहो अच्छी गेंद, काफी समझदारी के साथ गेंद, हालांकि बहुत स्टाइल के साथ खेलना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे। कोई मौका नहीं, कोई संपर्क नहीं रहा बल्ले और गेंद का, सीधी गेंद कीपर के हाथों में, थमा हुआ स्कोर 8, एक विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदों का खेल खत्म हो चुका, 2 गेंदें शेष है फहद की। काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर, नपीतुली गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी कही जा सकती है। फहद विकेटों को क्रॉस किया और ये फिर से एक बार शहदाब ने इसे खेला, गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी और इसी तरह से कोई गलती नहीं की कैच लेने में, इसी तरह से विकेट का खात्मा, दूसरे विकेट का यहां पर पतन, 2 विकेटों के नुकसान पर यहां पर बानकोट 8। जबकि फहद कामयाब गेंदबाज रहे यहां पर, 5 गेंदे की, फहद ने 2 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल किया 51। इसके बाद जो राउंड होगा जिसके अंपायरिंग हिदायत और मीरान करेंगे, दोनों भी इस बात को नोट करें, हिदायत और मीरान, धूप और छाव में थोड़ा सा फर्क होता है। ओहो अच्छी गेंद और गेंद सीधी पवेलियन दिशा, 6 रनों के लिए। शहबाज काफी संघर्ष यहां पर करते हुए 6 रनों के साथ तेजी से स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 14 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर 14 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ी सी यहाँ पर स्कोरर में गलती हो गई, माफ कीजिएगा, 53 की विन है यहाँ पर। जी यहाँ से थोड़ी सी गलती हो चुकी थी, 51 की विन है यहाँ पर। बारह गेंदे और 35 रनों की जरूरत। गेंदबाज फौजान, काफी अच्छी गेंद वहां पर,
मोहम्मद तकी भाई यहाँ पर आए, पवेलियन में बैठने का इंतजाम किया हुआ है। मोहम्मद तकी भाई बराबर है उधर। क्या बोला था इसका नाम? फौजान। फौजान तेज कदम होकर अब दौड़ना शुरू किया। ओहो बहुत ही अच्छी गेंद, उतना ही बेहतरीन शॉट खेला गेंद और इसी मारे का पार 6 रनों के लिए। बिल्कुल करारा छक्का यहां पर लगता हुआ। जैद बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, मैंने रनवेल में देखा था जैद को बल्लेबाजी करते हुए, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। एक लंबा छक्का लगाया यहां पर, 6 रनों के साथ तेजी से स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 20 रन। हमारे गांव के दामाद यहां पर मोहम्मद तकी पहुंच चुके हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। फौजान अपनी दिशा को चेंज करते हुए और ये बहुत ही जोर नहीं से लंबा खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद आसमान और यहां पर क्या छूटा, मैच छूटा, यही क्रिकेट में देखा जाता है। जो कि कहा जाता है कि पकड़ो कैचेस और जीतो मैचेस, लेकिन यहां पर नाकाम रहे कैच पकड़ने में, इसी तरह से एक भाग्यशाली रहे, किस्मत वाले रहे यहां पर जैद। माता पेची फौजान आहिस्ता आहिस्ता अपनी गेंदबाजी के लिए तैयार। ओहो बिल्कुल विकेट से बाहर, अंपायर खालिद का इशारा। मोहम्मद तकी दामाद साहब की तरफ से 500 रुपया आ चुके हैं यहां पर क्लब के लिए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
26 रन हो चुके हैं, 6 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। हिदायत और मीरान अंपायरिंग के लिए पहुंच जाए और मैन ऑफ द मैच होगा फौजान के लिए दिया जाएगा। 23 रन